everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new chapter, that is Microbes in the Human Welfare, chapter 8 from the class 12 NCERT new edition book. इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए हम लोगों ने इस पार्ट को बेसिकली सात हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द बायो माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, में इसका क्या रोल है, किस तरह से माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल में हमारी वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम लोग फिर वन बाय वन करके हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे. हम लोग देखेंगे कि हाउस होल्डिंग में क्या है, इंडस्ट्रियल में क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन, या फिर बायो कंट्रोल एजेंट, या फिर बायो फर्टिलाइजर, हर एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे. आज के इस लेक्चर में हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोब जो होता है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट. माइक्रोब्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? देखो, माइक्रोब्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है एवरीवेयर, चाहे वो पानी हो, मिट्टी हो, या फिर तुम्हारे बॉडी के बाहर हो, या फिर अंदर हो, प्लांट में, हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, इसके अलावा माइक्रोब्स देखो इनसाइड द गीजर, थर्मल वेंट, बहुत ज़्यादा जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे भी प्रेजेंट हैं. यानी कि माइक्रोब्स जो होता है, और माइक्रोब्स सिर्फ बैक्टीरिया वायरस को नहीं बोलते हैं, माइक्रोब्स में हर एक चीज़ आ जाएंगे, चाहे वो प्रोटोजोअन हो, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरस, जितने वायरस, ट्रायोन, ये सारे के सारे माइक्रोब्स में आते हैं. ठीक है, कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, पहले उसको देख लेते हैं. ये फिगर इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ से फिगर कभी कभी दे देता है और पूछता है कि ये डिफाइन करो, सॉरी मतलब मैं इसको मैच कराओ, मैचिंग के लिए ये दे देता है. तो देखो बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, जो कि मैग्नीफाई करने के बाद 500 गुना मैग्नीफाई करने के बाद ये दिख रहा है. फिर उसके बाद में ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये 50,000 गुना इस बैक्टीरिया को बढ़ाया गया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तब ये दिख रहा है. इसके अलावा ये सारे बैक्टीरिया वगैरह का फिगर है, ये वाला, या फिर ये है, तो सब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज एंटी, मतलब किस चीज़ को हम लोगों ने कितना मैग्नीफाई किया है और तब उसको देखा है. ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक प्लेट है जिसमें फंगल कॉलोनी डेवलप कर चुका है. जैसे कि ये हमारे डेली लाइफ में हमको देखने को मिलता है, जैसे तुम रोटी रख दो, 4-5 दिन के लिए छोड़ दो रोटी को, तुम देखना बीच बीच में स्पॉट पड़ जाएंगे. तो उसी तरह ये एक प्लेट है, प्लेट को छोड़ दिया गया है, बीच में ये देखो फंगल कॉलोनी बन चुका है. फिर उसके बाद ये एक प्लेट है, प्लेट के अंदर देखो ये डॉटेड जो तुम देख रहे हो, दिस इज बैक्टीरिया. तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया हो चाहे और दूसरे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ हमारे लिए यूज़फुल, हार्मफुल ही नहीं है बल्कि यूज़फुल है. जैसे हम लोग आगे चल के भी देखेंगे कि हाउस होल्डिंग में अगर हम बात करें तो जो हम लोग डेली लाइफ में दही खाते हैं उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हाउस होल्डिंग का है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो बेवरेज हो, जो भी हम लोग पीते हैं, या फिर एंटीबॉडी जो बना है, वो भी बनाने के लिए बैक्टीरिया ही, सॉरी माइक्रोब्स ही हेल्पफुल हैं. सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो सेकेंडरी मेथड होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें भी माइक्रोब्स का ही रोल है, जिसकी वजह से गंदे पानी को हम लोग साफ पानी में कन्वर्ट कर पाते हैं. बायोगैस का प्रोडक्शन जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, वो भी हमारा माइक्रोब्स का ही देन है. सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन बनता है, वो भी माइक्रोब्स की वजह से ही बनता है. बायो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेस्ट और प्लांट डिजीज हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं. बायो फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि वो वहाँ पे भी माइक्रोब्स ही हेल्पफुल हैं. तो इस तरह से माइक्रोब्स का जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है. तो वही सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.